नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जथेदार बलजीत सिंह दादवाल ने की प्रेस वार्ता। डेरा पर लगाए गंभीर आरोप, भावना भड़काने के भी आरोप। सिख समुदाय भाई ने धर्मों के लोगों से की अपील। डेरे की शरण में जाने वाले नेताओं का किया जाएगा बहिष्कार। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नहीं दिया किसी भी पार्टी को समर्थन। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। तख्त दमदमा साहिब के जथेदार एवं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य संत बलजीत सिंह दादवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी अगर डेरे में समर्थन मांगने के लिए जाता है तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। संत बलजीत सिंह दादवाल ने आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डेरे में और डेरों द्वारा चुनाव के माहौल में बैठके आयोजित कर सियासी पार्टियों पर दबाव बनाया जा रहा है और एक बार फिर से डेरे ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। संत दादवाल ने डेरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बलात्कारियों और हत्यारों का अड्डा है, जिसके चलते डेरा प्रमुख खुद बलात्कार व हत्या के जुर्म में सुनारिया जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी प्रत्याशी डेरे में वोट और सपोर्ट मांगने के लिए जाता है तो उसका बहिष्कार किया जाना तय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशी अगर डेरे में शरण लेने जाते हैं तो नोटा दबा करके रोष जाहिर किया जाएगा। संत दादवाल ने कहा कि डेरा मुखी पहले भी सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम कर चुके हैं, लेकिन पंजाब की बादल सरकार की मिलीभगत से डेरा प्रमुख के खिलाफ मामले रद्द करवा दिए गए। उन्होंने कहा कि डेरा के ही एक फिर से अनुयायी ने उनकी भावनाओं को यानी सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि डेरे के इस अनुयायी ने गुरु गोविंद सिंह जी की तुलना बलात्कारी बाबा राम रहीम से की है और हनीप्रीत की तुलना साहिब ज़्यादा बाबा फतेह सिंह के साथ की। उन्होंने हरियाणा और पंजाब सरकार से इस अनुयायी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने की अपील पर कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कागज़ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं दे रही। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। डेरा सिरसा मुखी दे वल्लों सिख भावनावां नूं भड़काया गया सी, जिस करके उते मुकदमा भी बकायदा बठिंडा विच दर्ज होया सी और उस तो बाद बादल सरकार ने उहदे नाल कोई नोटां वोटां दा समझौता करके कोतवाली थाने च जिहड़ा मुकदमा सी रद्द कर दित्ता सीगा। अज डेरा मुखी अपने कीते कतलां ते कुकर्मां दे कारण सुनारिया दी जेल विच नज़रबंद आ ते अपने कीते कुकर्मां दी सज़ा भुगत रिहा है, पर उसके पैरोकार उसके नक्शे कदमों से चलते हुए सिख भावनावां भड़काउण तो पिछे नहीं हट रहे। पिछले दिनों तो सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो दे विच एक डेरा सिरसा मुखी का पैरोकार जिहड़ा उसकी तुलना श्री गुरु गोबिंद सिंह नाल कर रहा है और उसकी जो रखेल है हनीप्रीत उसकी तुलना गुरु गोबिंद सिंह जी के सब तो छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह नाल कर रहा है। ये सरकारां दा फर्ज बनता, चाहे हरियाणा सरकार है पंजाब सरकार है, इहो जिहे लोकां ते तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए है। पहलां वी भावनावां भड़काउण करके किन्ना देश दा माहौल खराब होया, खास करके पंजाब ते हरियाणा दा माहौल खराब होया। सरकार नूं तुरंत कार्रवाई करके इहो जिहा जिहड़ा वी उहदा पैरोकार है जो गलत प्रचार कर रिहा सिख भावनावां नूं भड़काउण दा, उहदे ते बणदियां धरावां ला के मुकदमा दर्ज करके उहनूं वी डेरा मुखी दे कोल ही भेजणा चाहीदा। डेरा मुखी अपने इन्हां कम्मां नूं अंजाम देण वास्ते जेल च बैठा भी पिछे नहीं हट रहा और उसने हुण जमानत मंगी हुई सी जो कल माणयोग हाई कोर्ट ने रद्द कर दिती है। असीं इस चीज़ का स्वागत करते हैं और नाल ही हनीप्रीत ने भी जमानत मंगी हुई है, ये भी हाई कोर्ट नूं रद्द करनी चाहीदी है क्योंकि इन्हां ने जो पहला समाज का माहौल खराब किया और खास करके पंचकूला ते सिरसा दे विच जिहड़ी कतलोगार्द की, जिस वे डेरा मुखी का CBI ने कोर्ट ने फैसला दिता, तो यह मुड़ आके इहो जिहियां घटनावां नूं अंजाम दे सकते हैं। इस कारण करके इन्हां नूं कदी भी जमानत जिहड़ी है वह नहीं देनी चाहीदी। दूसरा, पार्लीमेंट चोणां का माहौल चल रहा है, पार्लीमेंट चोणां लड़न वास्ते हरेक पार्टी जिहड़ी लोकां कोले जा रही है जाना चाहीदा, हरेक पार्टी का हक है, लोकां दीआं वोटां ने लोकां कोलों मंगणियां चाहीदियां। पर जिस तरह डेरा सिरसा ने फिर दुबारा इकट्ठ करके ते अपना सख्ती प्रदर्शन करके ते सियासी पार्टियां ते कैंडीडेटां नूं वरगलाउण दी कोशिश कीती है, मैं कहना चाहुंदा कि कोई भी जिहड़ा इंसाफ पसंद आदमी है जां खास करके सिख पंथ नूं मैं अपील करदा कि जिहड़ा भी डेरे सरसे जिहड़ा
कतलों के कुकर्मा का अड्डा जिहदा मुखी अज जेल विच है कतलों के कुकर्मा करके दस दस साल की भी साल सजा ते एक उम्र कैद रामचंद्र छत्रपति पत्रकार के केस में जिसनों हुई है ते दो वड्डे केस उहदे पेंडिंग ने अपने पैरोकारां नूं नपुंसक करन दा और नाल ही रणजीत सिंह खानपुर कूलिया के कतल केस का कि उस डेरा मुखी दे जिहड़ा कतल ते कुकर्मा करके जेल विच है जिहदा डेरा कतलों के कुकर्मा का अड्डा रहा है। मैं खास करके सिख पंथ के समूह भाईचारे के लोगों इंसाफ पसंद लोगों चाहे हिंदू है मुसलमान है ईसाई है बोधी है जैनी है मैं उन्होंने अपील करनी चाहता कि जिहड़ा भी डेरे सरसे इन्हां कोल वोटां मंगण वास्ते जांदा इन्हां दे डेरियां च उस कैंडीडेट का बाईकाट किया जाए उस पार्टी का बाईकाट किया जाए तो वोटां लोगों दीआं ने उह सही कैंडीडेट नूं चुण के चाहे उह किसे भी पार्टी का होवे सही बंदे नूं चुण के जिहड़ी है जिहड़ा इहो जिहे डेरियां का मरीद ना होवे वोटां आउंदियां रहिंदियां ने पार्टियां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने पर लोग अपने इंसाफ की आवाज़ नूं बुलंद करन भी असीं इंसाफ दे नाल आ असीं कोई पार्टियां दे पिछलग नहीं आ असीं कोई लीडरां दे पिछलग नहीं आ असीं अपना जिहड़ा रोस जाहर करदे आ भी जेकर जिहड़े नहीं गए डेरे इहो जिहे कैंडीडेट नूं वोट पाई जावे जेकर सारे ही जांदे आ तां आपां नोटा दबा के अपना रोस जिहड़ा जाहर कर सकदे आ। इंडिपेंडेंट तौर ते कोई भी आपो अपना समर्थन किसे नूं देवे पर जिथों तक हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की गल आ साडी इस विषय ते कोई मीटिंग नहीं हुई ते हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट वल्लों कोई भी ऐसा लैटर जारी नहीं किया गया ना ही कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी की। इंडिपेंडेंट तौर पर कोई मैंबर जां कोई अहुदेदार अपनी स्टेटमेंट देवे तां गल वक्खरी है पर जिथों तक हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की गल आ असीं उह बनाई हरियाणा कमेटी उहदे विच बतौर अज भी एग्जैक्टिव मैंबर हाँ और मैं तुहानूं इस गल का सद्दा दे रहा कि जिहड़े डेरे दे विच गए पैरोकार डेरे दे जिहड़े पैरोकार आ जां डेरे दे मरीद आ जिहड़े पार्टियां जां कैंडीडेट उन्हां नूं वोट बिल्कुल ना दित्ती जावे। जिहड़ा डेरे नहीं जांदा लोकां दे विकास की गल करदा लोकां दीआं मुश्किलां दे हल की गल करदा उस नूं अपनी वोट दित्ती जावे जेकर सारे ही जांदे ने तां फिर नोटा दबा के अपना रोस जाहर किया जावे। हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का समुचे तौर पर ज अपना कमेटी के तौर पर किसी नूं कोई समर्थन नहीं है।